92% इंडियंस हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ केयर सिस्टम्स पे, डॉक्टरों पे भरोसा नहीं करते। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। डू यू ट्रस्ट डॉक्टर्स? थिंक फॉर अ सेकंड एंड गिव मी एन। आप डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं, हॉस्पिटल्स पे भरोसा करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम पे भरोसा करते हैं? डू यू नो इसका जवाब 92% लोगों का है नहीं। 92% इंडियंस हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ केयर सिस्टम्स पे, डॉक्टरों पे भरोसा नहीं करते। क्या लगता है आपको इसका कारण? आप कमेंट सेक्शंस पे लिखिए, मैं आपको मेरे जो मुझे लगता है वो कारण बताता हूँ। जो रीज़न अगर हम रिसर्च करें तो उसमें निकल के आता है कि यहाँ पर जो एक तरीके का ट्रस्ट है, डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट, वो ख़त्म सा हो रहा है, कम सा हो रहा है, और एक हेल्थ केयर सिस्टम का फेलियर हो रहा है, क्योंकि एक हॉस्पिटल लेवल पे उनकी निग्लिजेंस है कि हमारे लिए प्रॉफिट ज़रूरी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए उनके पैसे ज़रूरी हैं, राइट। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर्स का, जी हाँ, डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम है कि दे डू नॉट लिसन, वो सुनते ही नहीं है पूरी बात पेशेंट की। पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड कि डॉक्टर ने मेरी बात सुनी ही नहीं, तो उनको क्या पता मुझे क्या हुआ। एक मिनट मुझे देखा, ये लो दवाई, लो जाओ। अभी ये क्या हो गया, सुनी तो चलो छोड़ो, डॉक्टर डू नॉट एक्सप्लेन, या भाई सुना नहीं, पता नहीं उनको क्या दिखा, उन्होंने दवाई लिख दी, क्या लिखी, क्यों लिखी, मला माइक नहीं, मुझे पता नहीं। डॉक्टर डू नॉट लिसन, डॉक्टर डू नॉट एक्सप्लेन, एंड टेक अ लॉट ऑफ मनी, इट्स वेरी कॉस्टली। हॉस्पिटल जाओगे, एक दिन का खर्चा इतना ज्यादा है, बेड का खर्चा, आईसीयू का खर्चा, दवाओं का खर्चा, डॉक्टर की फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वाइट फ्रेंकली, अगर एज अ कॉमन पर्सन मैं बोलूंगा तो मैं भी हर डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं करता, नहीं करता, ठीक है भाई, गलत बात नहीं है ना। ये मेन रीजंस है, डॉक्टर डोंट लिसन, डॉक्टर डोंट एक्सप्लेन, डॉक्टर हेल्थ केयर इज वेरी कॉस्टली, और भी बहुत सारे हैं। अननेसेसरी टेस्टिंग, ओवर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, अननेसेसरी एडमिशन, अननेसेसरी सर्जरीज, राइट, एक अननेसेसरी रेफरेंसेज, इनको भी दिखा लो, उनको भी दिखा लो, एक काम करो, यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, फिजिशियन को दिखाओ, एक काम करो, तुम ये भी करो, एक MRI भी करा लो, एक CT स्कैन भी करा लो, एक ये भी करो, अननेसेसरी टेस्ट, राइट। उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थेरीज, मॉडर्न मेडिसिन इज बैड, सबसे अच्छा नेचुरोपैथी, सबसे अच्छा आयुर्वेदिक, भाई आयुर्वेदा वाला कहेंगे वो खराब, वो खराब, ये खराब, उनके पास तो इलाज ही नहीं है। WHO एक स्कैंडल है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के पपेट्स हैं, ट्रेंड रोबोट्स हैं, डॉक्टरों को तो सिखाया जाता है ये बीमारी तो ये दे दो, वो बीमारी दे दो, तुम्हारा दिमाग लगाना ही नहीं है, तुमको कुछ आता नहीं। तो ये सब सच है, ये सब सच है, बट एट द एंड ऑफ द डे अ डॉक्टर इज अ डॉक्टर। एक डॉक्टर इंसान है और उस इंसान के पास दिमाग है, उसके पास ये चॉइस है कि वो कैसे प्रैक्टिस करें। अब आजकल के दुनिया में हो क्या रहा है, आज के गवर्नमेंट सेटअप में या तो आप कुत्ते समान पढ़ाई कर करके, सॉरी टू से, बट इतनी पढ़ाई कर करके एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेते हो, बहुत मुश्किल, जनरल कैटेगरी के लिए तो और मुश्किल, राइट। या फिर आप करोड़ों रुपए लगा के एक मेडिकल सीट खरीदते हो तो आपका दिमाग है मेरे को पैसे निकालने हैं, लोन लेते हो, आपका दिमाग है पैसे निकालने हैं, मेरे को तो बहुत पैसे कमाने हैं, और रगड़ रगड़ के पढ़ाई करके आप एडमिशन लेते हो, तो आपका होता है कि मैं सीख लूँ, सिखाने वाला भी कोई नहीं होता वहाँ पे। एजुकेशनल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं डॉक्टर के ऊपर कि एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर बहुत बड़ा लोन आ जाता है कहीं ना कहीं से, या फिर 30-40 साल की उम्र तक देखा तो उसने कुछ नहीं बनाया, कुछ है ही नहीं, ना घर है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, पीपल आर अर्निंग, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया, किसी ने कंपनी बना ली, किसी ने ये कर लिया, कोई घर से काम कर रहा है, और हम लगे पड़े। तो सच्चाई है हर जगह, दोनों तरफ का सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा हो क्या रहा है, राइट। आप अगर मान लो रगड़ रगड़ के पढ़ाई कर करके छः साल अपना, 5 साल MBBS, फिर उसके बाद एक इंटर्नशिप, 3 साल MD, फिर उसके बाद 3 साल DM, फिर उसके बाद एक एक दो दो साल की इंटर्नशिप, 12-15 साल पढ़ाई करने के बाद सोचते हो अब मैं कमाऊंगा, तो उसके बाद आता है कि क्लिनिक भी खोलना पड़ेगा, पैसे भी लगाने पड़ेंगे, उसके बाद पेशेंट ही नहीं आ रहे यार, कौन कैसे करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सबने अपने पेशेंट्स रेफरेंसेस बनाए हुए हैं। अब रेफरेंस की फीस लेते हैं लोग, एक डॉक्टर ने दूसरे को भेजा, वहाँ से उसने, उसके पास फीस आ रही है, अरे बाप रे, हाँ लैब को मिल रहा है, उसके कट मिल रहे हैं, अरे बाप रे, अब मैं कैसे इसमें सरवाइव करूंगा, एक डॉक्टर कैसे सरवाइव करेगा। सही बात है, मेरे जैसा पर्सन, मैंने भी सोचा मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं क्या करता हूं,
मैंने देखा दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी मैं आखिरी में बताऊंगा वो मैं क्या कर रहा हूँ। खैर एनीवेज, अब बात की बात, पेशेंट एडमिट होता है, उसके इसमें क्या हो जाता है, उसको रूम रेंट लगेगा, डॉक्टर रेंट लगेगा, डॉक्टर आया नहीं आया सुबह शाम उसका उसका वो लगेगा, या वो आके दो मिनट लिख के चला गया, उसकी फीस उस दिन की देनी पड़ेगी, अननेसेसरी टेस्ट होंगे। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी है, भाई मुझे पैसे निकालने हैं डॉक्टरों को, तो डॉक्टर पैसे निकालेंगे, डॉक्टर कहाँ से, डॉक्टर वैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को पैसे कुछ खास नहीं मिलते, वो सभी सब जाते हैं अस्पताल वाले जो ओनर्स होते हैं, राइट। एक्स एक पर्टिकुलर टेस्ट 10 रुपये का, तो 100 रुपये लगाएंगे, राइट। क्या है, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि विदेश में तो वो 1000 रुपये का हो रहा है ना, हमारा फिर भी तो सस्ता है, ठीक है। लेकिन भाई साहब इमोशनली पेशेंट को फिर बड़ी से बड़ी बीमारी बताएंगे, देखो तो हमको नहीं पता, मर जाओगे, वो हमें नहीं बताना, राइट। सो यस, दीज आर ट्रूथ, राइट, दीज आर द ट्रूथ जो हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, नॉट जस्ट इंडिया। फार्मास्यूटिकल कंपनी बोल दिया ये दवाई दो, ये महंगी है, यही दवाई देना है, किसी ने कहा ये सस्ती दवाई ले लो, तो दूसरा डॉक्टर बोलता है मुझे इस पे भरोसा नहीं, किसी ने कहा ये सस्ती दवाई ले लो, तो फार्मा केमिस्ट वाले के पास है ही नहीं, केमिस्ट वाले के पास सस्ती दवाई है ही नहीं, वो कहता मैं अल्टरनेट दूंगा महंगी वाली, क्योंकि केमिस्ट को भी महंगा कट मिल रहा है, ओके। 70% ऑफ टोटल मेडिकल एक्सपेंसेस आपके जो जा रहे हैं अननेसेसरी जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट नहीं है, ओवरबर्डन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ऐसी जगह पे लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड हैं, ऐसी तैसी हो रही है, कोई जाना नहीं चाहता, प्राइवेट लोगों को गाली देते हैं, प्राइवेट वाले एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, राइट। गवर्नमेंट अगर चीप प्रोवाइड कर रही है तो उनके पास बेड नहीं है एम्स जैसी जगहों पर, सो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, राइट। और एक डॉक्टर को सस्टेन करने के लिए भी यही करना पड़ता, भी तुम ऐसा करो तुम्हारा एक्सरे से काम हो जाएगा, लेकिन तुम सीटी स्कैन कराओ, ठीक है, तुम्हारा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुमको फिजियोथेरेपी कराना है, लेकिन फिर भी तुम ऑपरेशन कराओ, गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखा के ऑपरेशन कर दो, कोई बात नहीं, तुमको सिम्टम है नहीं है, पूरी दुनिया में कुछ चीजें क्लियर कट गलत हैं, जिसके खिलाफ मैंने भी अपने वीडियोस में बोला है, कई बार बोला, कोई दो राय नहीं है उसमें, कि यस देर आर वेरी बिग 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 इशूज इन द मेडिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट। और बहुत प्रॉब्लम है इसमें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और कई लोगों को लगता है डॉक्टर्स लाखों में कमा रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स जरूर कमा रहे हैं, इधर कई डॉक्टर्स कमा रहे हैं, पर कई सारे डॉक्टर्स हैं जो बैठे हुए हैं, कौन, जीपीज, जनरल जीपीज जो हैं, जो लोग डिप्रेस हो रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, अभी चलो मैं एमबीए करता हूँ, फिर हॉस्पिटल के लोगों को मैनेज करता हूँ, फिर वो दूसरे काम कर रहे हैं, राइट। फिर कई लोग सोचते हैं भी आप अच्छे कपड़े पहन के जाए, अच्छे कपड़े पहन के आए, तुम्हारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, तुम तो सर्जरी भी कराओ, तुम्हारे टेस्ट भी हो, तुम्हारा ये भी हो, तुम्हारा वो भी हो, राइट। देयर इज नो लॉजिक हियर, मेडिकल सिस्टम इन इंडिया इज bad, no doubt, right? But young doctors are not bad, right? All doctors are not bad, right? Every doctor is not in that. मेरा भी, हमारा भी बच्चा पैदा होता है, हमें भी लगता है क्या है 5000 रुपये फीस एक डॉक्टर के आने की, इसकी 5000 रुपये, 2000 रुपये रोज की, ये वो ये, यार हम क्या हो रहा है, मतलब हर चीज में इशू है, आपको भी है, मुझे भी है, एक तरीके से जब हम बीमार होते हैं हम भी पेशेंट, राइट। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी पर्सन जब इस फील्ड में एंटर करता है, कोई डॉक्टर एंटर करता है, वो या तो ये सोचता है मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, रिलैक्स लाइफ जीऊंगा, नहीं भाई साहब, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, हर डॉक्टर नहीं कमा रहा होता है, राइट। बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं, बिजी लाइफ है, बहुत सारा मनी इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग तो बहुत कमा रहे हैं, कहाँ पे 40-50-60 की उम्र पे जाने के बाद जब बहुत कोई पेशेंट बन गए, लाइन लगी है, तब तो आप कमा रहे हो, जब आप टाइम नहीं दे रहे हो तब आप कमा रहे हो, तब आपके पास में सेटअप हुआ पड़ा है, इस लैब से उस लैब से सेटिंग करी हुई है, सब कमा रहे हो, उतनी सेटिंग के बगैर, उतने टाइम के बगैर दूसरा कोई आ नहीं सकता, दूसरा कोई कर नहीं सकता। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, उनकी भाई देखो एक एडवांटेज भी है, ठीक है, एवरी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर इज एट वन प्लेस, राइट, आपकी अवेलेबिलिटी, फैसिलिटीज अवेलेबल है, तुरंत के तुरंत इलाज होगा, एक सेकंड वेस्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छी है, मगर फीस कितनी, डबल ट्रिपल चौबल, अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। ऊपर से उनका क्या हिसाब है, मनी माइंडेड, भाई पैसे कम, लगाओ कम कमाओ ज्यादा, लगाओ कम कमाओ ज्यादा, प्रॉब्लम इज नॉट डॉक्टर्स, अगेन देयर इज अ मनी माइंडेड पीपल अराउंड हियर, राइट, देयर शुड बी सम रूल्स, राइट। गवर्नमेंट को यह समझना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा, राइट। बहुत सारे लोग हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, उनके तरफ से ही, और बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिस के वजह से ही ये मैल प्रैक्टिस होता है, मिस डायग्नोसिस होता है, ओवर ट्रीटमेंट होता है, ओवर बर्डन होता है, राइट, समझ रहे हैं। और ये भी समझना होगा कि एक यस फार्मास्यूटिकल कंपनीज हॉस्पिटल को पे करती है लमसम अमाउंट में, डॉक्टर्स को एक पैरासिटामोल दे देने के लिए वो करोड़ों रुपए नहीं देते, इट्स नॉट पॉसिबल, वो उनको ही नहीं पड़ेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी को,
राइट. सो यस देर आर कट्स, देर आर एवरीथिंग, नोबडी इज डिनाइंग दैट, बट देन उसके पीछे का सिस्टम तो समझो, सिस्टम फॉल्ट है, देर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम, राइट. गवर्नमेंट सेक्टर्स में जगह ही नहीं है. एक एक ऐसी जगह पे जाओगे जहां पर कैंसर का पेशेंट, एक कोल्ड के फ्लू के पेशेंट सेम लाइन में है, भीड़ लगी पड़ी है एक ही डॉक्टर को मिलने के लिए, जिसको मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं, उसको ये 4 दवाई और उसमें से भी 3 बाहर से 2 ही मिलती है उसको जहां से मिलती है. तो ये तो हाल है इंडिया का. सो दिस इज द बैड ट्रुथ, राइट. और कायदे से क्या होना चाहिए, बाहर के देश में क्या होता है, जब भी एक पर्सन जाता है एक जीपी के पास, एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास, वो सीधा सीधा पेशेंट को डिटेक्ट कर लेता है, इसको कहाँ जाना है, इसको एक अप्रोप्रिएट सेंटर में भेज देता है कि तुम्हें इस स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जाओ. यहाँ क्या होता है इंडिया में कि एक जीपी के पास कैंसर पेशेंट भी, ये भी, और वो सबको ठीक कर रहा है, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, ये हो, वो हो. हाँ, कुछ लोग रेफर करते हैं, पर वो करते हैं इस जगह पे, मेरे बताई हुई जगह पे जाना, मेरी बताई जगह से करना, क्योंकि मेरी उधर से फीस है वो नहीं बताएंगे, मेरी उधर से कट जमा हुआ है. ऑल्दो कट के लिए पीछे बहुत सारे रूल्स हैं, तो कौन फॉलो करता है, कौन फॉलो करता है कि भाई हाँ उनको कौन सी सजा मिलती है, नहीं मिलती. मेडिकल इंश्योरेंस महंगे पे महंगे होते जा रहे हैं, हम खुद सोच रहे हैं यार क्या हो रहा है, हर साल इंश्योरेंस के पैसे बढ़ते जा रहे हैं. सो देर इज नो रूल, देर इज नो सिस्टम, एंड देर इज हमारा कोई बस नहीं चलता, डॉक्टरों का बस नहीं चलता, एक छोटे मोटे डॉक्टर का कोई बस नहीं चलता, राइट. पेशेंट का प्रॉब्लम है कि उनके लिए गूगल डॉक्टर है, गूगल डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर, गूगल 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 करो. उसके बाद एक डॉक्टर ने बोला वो डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, वो कंस्पिरेसी थ्योरी, वो बोला, उसने बोल दिया मतलब सारे डॉक्टर पागल हैं, दो सारे डॉक्टर जो हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिके हुए हैं. लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, सुना है ना. तो आधा नॉलेज के साथ आप अपना ट्रीटमेंट करने निकल जाते हो, राइट. फेक न्यूज, रॉन्ग फैक्ट्स, गूगल, मल्टीपल साइट्स, इन जगहों पर सर्च करते हो, उल्टे सीधे डायग्नोसिस में जाते हो, डॉक्टर्स को गोल्ड डिगर समझते हो, राइट. डॉक्टर्स को गालियां देते हो, डॉक्टर्स को मारते हो, जहां पर उनकी कोई गलती नहीं, राइट. उनकी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, रूल बनाने की. रूल कौन बनाएगा, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम बनाएगा. कौन बनाएगा रूल, अगर हम ऐसा रूल बना दें कि कितने कितने मर्जी महंगा, आपको पानी तो चाहिए ना, आपको सब्जी तो चाहिए ना, आपको प्याज तो चाहिए ना, कितनी मर्जी महंगा बेच लो, जब महंगे से महंगा सभी बेचेंगे तो खरीदना तो पड़ेगा ना, आपको खरीदना तो पड़ेगा, बिना खाए पिए थोड़ी बैठ जाओ. सो दैट्स द थिंग, यू हैव टू कैप थिंग्स. गवर्नमेंट एक एक चीज को कैप कर रही है, अच्छी बात है. स्टंट्स को कैप कर दी डॉक्टरों ने, अब हॉस्पिटल्स ने अपना प्रोसीजर फीस बढ़ा दिया. सो देर आर पीपल हु आर गोइंग अराउंड थिंग्स. सो देर हैज टू बी अ फुल सिस्टम फॉर इट, गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएट करना पड़ेगा. बट देन एक पेशेंट को क्या करना चाहिए, एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए, एक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सवाल पैदा होता है. अगर आपके दिल में भी ये सवाल पैदा होता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एक पेशेंट को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब ट्रस्ट नहीं है, एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए जब नहीं, उसको भी नहीं पता कि एक नोबल प्रोफेशन है उसका, एक डॉक्टर का वर्ड का नाम का मतलब ही है डॉक्टरे, मतलब टू टीच, व्हेन ही डजंट टीच एंड देयर इज नो वन टू टीच हिम. दिस इज द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम. जो हम दूसरे से सस्ते हैं, बाहर के मेडिकल दुनिया से बहुत सस्ते हैं, लेकिन बाहर हेल्थ केयर सारा का सारा गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, कई सारा गवर्नमेंट, और सबका इंश्योरेंस है, हमारे सबका नहीं है. हम क्या करें, आधा पैसा जो इंश्योरेंस के लिए आता भी है गरीबों के लिए, वो पता नहीं कहाँ जाता, पता नहीं. सो व्हाट शुड बी द प्लान, व्हाट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू यू, यू राइट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.